एमपी में नेताओं की फिल्मी डायलॉग के बाद अब रामायण महाभारत के पात्रों की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने पांडव की बात की तो बीजेपी ने धृतराष्ट्र बोलकर जवाब दिया। उधर प्रियंका ने रावण कहकर निशाना साधा तो खड़गे ने खुद को भगवान शंकर का अवतार बताया। रिपोर्ट देखिए। फिल्मी डायलॉग वाले बयानों पर फुल स्टॉप लगा तो नेता अब रामायण महाभारत के पात्रों से तुलना कर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक दिन पहले ग्वालियर में आम सभा को संबोधित करते हुए खड़के ने पांडव बताकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ईडी, आईटी, सीबीआई, सीएम शिवराज और पीएम मोदी को पांच पांडव बता दिया। ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने तीन कैंडिडेट, तीन प्रचारक, ऊपर से चव्हाण और मोदी, ये पंच पांडव है। खड़के के इस बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया तो कहा कि मुझे गर्व है कि हम पांच पांडवों की राह पर चल रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा भाजपा में पांच पांडव है। देखिए जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है हम पांच पांडवों के राह पर चल रहे हैं, इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, इंदौर के सांवेर में सभा करने पहुंची प्रियंका गांधी ने यहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए अहिरावण का उदाहरण दिया। जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो वहीं चुनावों में भगवान शंकर की भी एंट्री हो गई है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को भगवान शंकर का अवतार बता दिया है। भगवान का नाम तो सभी लोग रख लेते हैं, ऐसे देश में और दुनिया में बहुत से शिवराज हैं। अपने आप को भी ये लोग अगर भगवान समझते गए तो देश का क्या होगा? ऐसा तो फिर मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी परमेश्वर का अवतार हूँ, शंकर का अवतार हूँ। खड़के के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। और धृतराष्ट्र दो दो है या एक नहीं है? एक कमलनाथ जी, एक दिग्विजय जी, दोनों को अपने अपने बेटे दिख रहे हैं। खड़गे जी कहते थे, कल मैंने देखा अखबार में, आज शिवराज अपने आप को भगवान समझता है। अरे भैया मेरी जनता में 17 बार कह चुका खड़गे साहब, मेरी जनता मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है। पहले जहां भगवान बजरंग बली के नाम पर सियासत देखी जा रही थी तो अब भगवान शंकर के नाम पर एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले तक सियासत में शोले फिल्म का शोर था। बीजेपी की ओर से कमलनाथ दिग्विजय को जय वीरू कहकर निशाना साधा जा रहा था तो श्याम छेनू की भी एंट्री हो गई थी। हालांकि अब फिल्मी पटकथा के बाद धार्मिक किरदारों को सियासत में उतारा जा रहा है और एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। बिहार के